लाल साहेब दरबार के पूज्य महाराज श्री, उनके ठाकुर जी श्री लाल जी ऐसी ऐसी लीलाएं करते महाराज। अपने लाल जी के लिए उन्होंने सोने के कंगन बनवाए। एक दिन ठाकुर जी को जलेबी खाने का मन हुआ और छोटे बालक का रूप धारण करके अपना सोने का कंगन लेकर के रानी बाजार में जलेबी की दुकान पर पहुंच गए। अब भगवान को जलेबी खाने की क्या इच्छा होगी, रसो वैसा जो रसपूर्ण है रसमय है, लेकिन भक्तों की महिमा को संसार जाने इसलिए भगवान ऐसी लीला की। और अपना कंगन सोने का कंगन जाकर के बाजार में उस हलवाई को दिया, बोले मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये लाया हूं, इसे रख लो और हमें जलेबी दे दो। अपना सोने का कंगन देकर जलेबी खा के ठाकुर जी चले आए। अब इस बात को जाने कैसे लोग, संजोग से वो जो जलेबी बेचने वाला हलवाई था वो महाराज जी के यहां आता था सत्संग में, और सत्संग में जब शाम को आया तो महाराज श्री ने कहा आज मेरे ठाकुर जी का कंगन खो गया है, लाल जी का कंगन कहीं गिर गया, श्रृंगार में कहीं चला गया फूल पत्ती के साथ में। वो बैठे थे, उन्होंने कहा आज एक कंगन एक बच्चा लेकर के आया था, कहीं वो तो नहीं है। उन्होंने कहा महाराज श्री एक बालक आया था और उसने ये कंगन दिया और जलेबी खरीदी खा करके चला गया। महाराज श्री ने देखा, महाराज श्री रो पड़े, तुम्हारे ऊपर कृपा हो गई, ठाकुर तुम्हारे द्वार पधारे। अब कंगन बेच करके भगवान जलेबी खाने जाएं, ये बात कैसी लगेगी। लेकिन विश्वास करो ऐसी लीलाएं उन प्रेमी भक्तों के लिए होती हैं जिससे उनके हृदय में प्रेम भक्ति का विस्तार हो और प्रेमी भक्त भगवान से जुड़े, भगवान की भावना उनमें दृढ़ हो, ऐसी भगवान लीला करते। तो राधा रानी का नूपुर छूट गया, राधा रानी का नूपुर छूट गया तो राधा जी ने ललिता सखी को भेजा, ललिते जाओ मेरा नूपुर लेकर के। सवेरे सवेरे ललिता सखी एक वृद्ध स्त्री का रूप धारण करके आई और ललिता सखी ने महाराज जी सोहनी कर रहे थे, बोले महाराज बाबा कल मेरी बहू यहां आई थी, मेरे बहू के पैर का नूपुर गिर गया था, कहीं अगर आपको मिला हो तो बता। तो महाराज श्री भी बड़े अद्भुत, श्यामानंद जी ने वो नूपुर लिया और कहा ये तो नहीं है। ललिता सखी ने कहा हाँ यही यही वो नूपुर है। बोले तो ये नूपुर दे दो, मेरी बहू का है, बहू रानी का है। तो श्यामानंद जी ने कहा मैं ऐसे नहीं दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा, आप ऐसा करो कि अपनी बहू को लेकर के आओ, उसके दूसरे पैर के नूपुर से इन नूपुरों की मैं मिलान करूंगा, अगर ये मिल गए तो मैं दे दूंगा, मैं कैसे विश्वास करूं कि आपकी बहू का। ललिता जी ने जाकर के श्री राधा रानी से कहा, श्री राधा रानी पधारी, इस भक्ति से प्रसन्न होकर राधा रानी पधारी और उनके चरणों का दर्शन किया, दोनों नूपुर को मिलाया और नूपुर समर्पण किया। बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, श्री जी का दर्शन करते ही परम आनंद का संचार हुआ, आंखों से अश्रुपात होने लगा। उसी नूपुर को लेकर श्री राधा रानी ने इनके गुरुदेव श्री श्यामानंद जी के मस्तक पर स्पर्श करा दिया। रसिक भाव की वृद्धि के लिए, प्रेम रस के संवर्धन के लिए उस नूपुर को श्री राधा रानी ने महाराज श्री के मस्तक पर ऐसे स्पर्श कराया और फिर उस नूपुर को रख लिया। राधा रानी के चरण नूपुर का स्पर्श होते ही उस नूपुर के चिन्ह बन गए। कृपा की श्री राधा रानी ने, वो चिन्ह बन गए। बाद में महाराज श्री आए और उसे छुड़ाने का प्रयास करने लगे लेकिन वो छूटे नहीं। तो इनके जो गुरु जी थे, माने रसिक मुरारी जी के गुरु जी के गुरु जी, उन्होंने कहा अपने शिष्य से, श्यामानंद जी से, ये कौन सा तिलक आज तुमने लगा लिया, परंपरा तो हमारी ऐसी थी तिलक लगाने की, ये बीच में ये आकृति ये क्या बना ली।
उन्होंने कहा किशोरी जी की कृपा प्रसाद है, गुरु जी मानने को तैयार नहीं हो। गुरु जी ने कहा इसको मिटाओ। बोले मिटता ही नहीं, धो धो करके मिटाया, मिटा नहीं। बाद में रगड़ रगड़ करके गुरु जी ही मिटाने लगे। बोले हमारी परंपरा के विरुद्ध है। और इतना रगड़ा महाराज की मस्तक में घाव हो गया, लेकिन वो चिन्ह मिटा नहीं, राधा रानी के नूपुर के जो चिन्ह अंकित हो। ऐसी ही कथा हमारे श्री अवध में भी। अयोध्या में एक स्थान है, बड़ा स्थान उसे बोलते हैं, श्री दशरथ जी महाराज की राजगद्दी। वहां के पूज्य महाराज श्री थे श्री बिंदुगाद्याचार्य जी महाराज, श्री राम प्रसादाचार्य जी महाराज। उनको भी श्री किशोरी जी ने मत्थे पर बिंदी लगा दी। ये तिलक में जो बीच में हम लोग श्री करते हैं ऐसे सफेद, और सफेद के बीच में जो लाल लगाते हैं उस लाल के जगह पर किशोरी जी ने बिंदी लगा दिया। बिंदु जब लगा दिया तो बाद में वो उसे धोने लगे, मिटाने लगे, मिटा नहीं। और फिर किशोरी जी ने कहा अब यही तुम्हारी परंपरा रहेगी, इसी परंपरा का तुम निर्वाह, बिंदु परंपरा। उसी समय से उस पीठ का नाम ही बिंदु गादी हुई। उसकी आज 13वीं 12वीं 13वीं पीढ़ी चल रही, वर्तमान महाराज जी विराजमान है, जो 13वीं पीढ़ी लगभग हो गई जहां तक मुझे मालूम है, हो सकता है उसमें कम ज्यादा भी हो। आज भी उस पीठ को बिंदु गद्दी कहते हैं और वहां पर जो विराजते हैं उनको बिंदु गाद्याचार्य कहा जाता है। तो किशोरी जी ने अपने कर कमल से बिंदु लगा दिया तो वो अमिट होगा। श्री राधा रानी ने अपने नूपुर के चिन्ह अंकित कर दिए श्यामानंद जी के मस्तक पर, वो चिन्ह सदा के लिए बन गया। श्यामानंद जी के गुरु जी जो थे हृदयानंद जी ने मिटाने का प्रयास किया लेकिन मिटा नहीं, खून की धारा बह गई। संतों ने कहा देखो ये अनर्थ मत करो, भले आपके ये शिष्य हैं लेकिन किशोरी जी की कृपा भई और इन्होंने इसे धारण किया तो आप भी इसे स्वीकार करो। फिर तो गुरु जी मान गए हृदयानंद जी, लेकिन संतों के समाज ने कहा कि आपने इन संत को श्यामानंद जी को इतना कष्ट दिया, इतना डांटा अपने शिष्य को, और इस मस्तक पे बने हुए चिन्ह को नूपुर को मिटाने के लिए इतना रगड़ा, मस्तक से खून तक बह गया, ये भागवता अपचार हो गया, भगवान के भक्त के प्रति किया गया अपचार। भगवान का अपचार आप करो भगवान क्षमा कर देते, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति अगर कोई अपराध हो तो वो भगवान को असह्य हो जाता है, वो भगवान को सहन नहीं हो जाता। इसीलिए भगवान श्री रामानुजाचार्य शरणागति गद्य में भगवान से जब अपराधों की क्षमा याचना करते हैं तो कहते हैं भगवत अपचार भागवतापचार सह्यापचार नाना रूप गुण विधानंतापचारान आरब्ध कार्यान अनारब्ध कार्यान कृतान क्रियमाणान करिष्यमाणाश्च सर्वान् क्षमस्व सर्वं क्षमस्व। हे भगवान, भगवत अपचार भागवतापचार, भगवान के भक्तों के प्रति किया गया जो अपराध होता है उसी को भागवतापचार के, और भागवतापचार असह्य होता है, वो भगवान को सहन नहीं होता। भगवान को आप कुछ भी कह दो भगवान क्षमा कर दो। देवगुरु बृहस्पति इंद्र से कहते हैं सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ और निज अपराध रिसाई न काहू। जब भरत जी की यात्रा में विघ्न करने के लिए देवताओं ने योजना बनाई तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा बस संभल जाओ, भगवान के स्वभाव को जान लो इंद्र, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव निज अपराध रिसाई न काहू।
लेकिन भगवान के भक्त का अगर अपराध करोगे, बोले जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई। जो अपराध का अपराध करो, भगवान क्षमा नहीं करते, उसे दंड भोगना पड़ता है। चाहे आप कितने बड़े ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो, भागवत की एक बड़ी